झारखंड में इंडिया अलायंस की बैठक के पहले नेतृत्व परिवर्तन के संकेत मिलने लगे हैं। चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना जाएगा। सरकार में शामिल एक कैबिनेट मंत्री ने मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत की। इसमें साफ उन्होंने संकेत दिए कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने सरकारी आवास से बैठक में भाग लेने के लिए सीएम आवास पहुंचे। इससे पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम चंपई सोरेन से अकेले में मुलाकात की। सीएम चंपई सोरेन के बैठक में पहुंचने के करीब 30 मिनट बाद हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होने पहुंचे। झारखंड में तेजी से बदल रहे सियासी समीकरण के बीच इस विशेष बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी रांची पहुंचे। कांग्रेस नेताओं की मंगलवार को दिल्ली में बैठक थी। उस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी दिल्ली गए थे। प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस प्रभारी के साथ रांची पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे सीएम आवास में इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल हुए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम आवास में होने वाली विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को नया नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद सीएम चंपई सोरेन अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं और उसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शपथ लेंगे। आपको बताते चले कि 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन से जुड़े मामलों में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सियासी हलचल के बीच सत्ताधारी दल की बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं का सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले सीएम आवास पहुंचने वालों में मंत्री बादल, पत्रलेख, डॉक्टर रामेश्वर उराव, बेबी देवी, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुवा, विधायक वैद्यनाथ राम और सुदिव्या कुमार सोनू शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य भी सीएम आवास पहुंची। विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे मंत्री बन्नालाल गुप्ता ने कहा कि झारखंड में अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी और आने वाले समय में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी।